उल्लास रैणा नू देखने वाले सारे दर्शकों ने सुरेंद्र कुंडू की राम राम बाई। नरवाणा में कई दिन से एक मुद्दा चल रहा है कि एक संस्था है प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन, इसका मुद्दा चल रहा है कि करोड़ों रुपए का घोटाला किया, जिसमें कि एक नरवाणा की महिला है सुमित्रा देवी, उसका नाम लिया जा रहा है कुछ महिलाओं के द्वारा कि वो हमारे पैसे खा गई है, करोड़ों रुपए का घोटाला कर गई है। और आज कोर्ट से लेके उसके घर तक महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया, पर पुलिस प्रशासन पहुंचा था मौके पर। तो भाई हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये घोटाला हुआ है, जब तक इसमें पुलिस जांच कर रही है, जब तक पुलिस की जांच की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक हमारा चैनल ये पुष्टि नहीं करता कि सुमित्रा जी इसमें दोषी है या कौन दोषी है। जो प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन है, इसमें बहुत सी महिला इकट्ठी होती है, बहुत सी महिला इकट्ठी होकर 1100 रुपये ले जावा है, वह कापी तैयार करी जावा है। कापी तैयार करने में इसमें आप देख सको हो कि जो भी है यहाँ पर दिया गया, सिलाई मशीन भी देती है, बहुत सा कुछ, या एनजीओ जो भी संस्थान है ये बहुत सा वो कर रही है, और साथ में ये काम भी देती है। और कुछ महिलाएं आज जो थी प्रदर्शन कर रही थी, उनका ये बोलना है कि हमें काम नहीं मिल रहा, हमें कुछ और नहीं मिला। और एक और बात हमारे सामने आई है कि आप जो भी कापी बनी है 1100 रुपये दे का है, इसमें जो भी एक संस्था है लोन भी देती है। आइए हम सुमित्रा जी के जो बेटे हैं यहाँ पर, उन तक बात करांगे, वो अपना पक्ष रखना चाहवे, वो के कहना चाहवे, आइए उनसे ही सुन। आज ये जो ये सुमित्रा देवी जी पर आरोप लगाए जाने लग रहे हैं, कई महिलाएं आ रही हैं, वीडियो जो सोशल मीडिया पर कई वीडियो पड़ी है कि करोड़ों रुपया का है जो घोटाला कर दिया है कोई आपकी है प्लस क्यू वेलफेयर एनजीओ है, कुछ आरोप लगा रहे हैं कि कुछ मैटर है, कोई कुछ नहीं है, एक बार पूरी सच्चाई बताओगे? या हाजी, प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन, मेरी मम्मी इसमें एक एडवाइजर का तौर पर काम करा है, आज भी करा और करिया कर दी। सुमित्रा देवी जी आपकी माता जी? हाँ जी, मेरी माता जी हैं जी। और जो लेडीज आ रही थी ये भी काम करा कर दी इसमें, ये भी एडवाइजर का तौर पर काम करा, कॉपी बना कर दी, ये कॉपी है संस्था की। काम है इस कॉपी का, इस संस्था काम के करा है? ये 1100 रुपया में कॉपी बना कर दी जी, 1100 रुपया डोनेट करवा कर दी, दान करवा कर दी संस्था, तो उसका उसमें सुविधा दिया कर दी संस्था। बस ऐसे किसी ने साइकिल की सुविधा लेनी है, किसी का बच्चा गाँव तो दूर पड़ा है, वह किसी ने किन्ना दान की लेनी है, वॉशिंग मशीन लेनी, सिलाई मशीन लेनी है, या इसी पर डिस्काउंट पर सामान दिया कर दी संस्था, कुछ पैसे उन पर ले आ कर दी और कुछ खुद का उस तरह लाएगा अपना सामान उपलब्ध करवा कर दी। जैसे कि या मैंने आप संस्था वाले यार मेरे पास आए, हाँ आप मैंने क्या कहूँगे? हाँ मैं आपको यही बताऊँगा, ऐसे ऐसे संस्था है तो इस काम के लिए संस्था चला रखी है, आपको ये कॉपी बनवाओगे 1100 रुपये दान करने आपको संस्था के अंदर, आपका फार्म भरा जाओगा। अच्छा, ये वो फार्म, ये वो फार्म है। अच्छा, इस पर लिख रखा है बकायदा कि आप इसमें ये 1100 रुपये संस्था में दान कर रहे हो। एक बार दिखाओगे जी? जो जी, ये जो है उपरोक्त सूचना मेरे सुनिश्चित ज्ञान अनुसार सही है, यदि उपरोक्त सूचना गलत होती तो मैं खुद इसका जिम्मेदार होऊंगा या होंगी, संस्था मेरी सदस्यता को रद्द कर सकती है तथा मैं मेरे द्वारा दिया गया दान वापिस लेने का अधिकार नहीं रखता हूँ या नहीं रखती हूँ, और संस्था को मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है किंतु मुझे नहीं है। तो ये स्टाइनोज है इस पे जी, इस पे ब्रांच मैनेजर के भी जी। अच्छा, मतलब और जो 1100 वो एक किस्म के दान पुण्य? हाँ, वो एक किस्म के दान कर रहे हैं, क्योंकि जी कोई भी एनजीओ है, प्रॉफिट या मतलब के हो, मतलब कोई भी एनजीओ जी दान का उस पर चला है, अगर तना आप कुछ लगा सकते ना मैं कुछ लगा सकता, तो 1100 रुपये में कॉपी ले ली, 1100 रुपये में कॉपी ले ली, तो इसका जैसे सुविधा का अलग अलग टाइम दवा, किसी का महीना का को 2 महीने बाद आपकी भी नाम पुरानी कॉपी हो, 2 महीने पुरानी कॉपी हो, उसी हिसाब से सुविधा मिला कर दी। कोई भी इसको सुविधा, जैसे आपने बेड लेना है, बेड के मान लिया आपने 6-7 जो भी करवा कर दे, करवा क्या है डबल बेड 6-7 हज़ार रुपये में कौन दे देगा? कहीं तक भी नहीं आता। हाँ, आधे संस्था पे उसमें जो दान आया करता उसमें संस्था उसमें लगा दिया कर दी। ये हाँ जी, हाँ जिसने जो कस्टमर था, हाँ जो कस्टमर था उन्हें सामान, जैसे शादी में लड़की का सामान हो गया, वो सामान के कुछ पैसे जो लड़की वाले वो दिया कर दे, और जो बाकी ऊपर का पैसा था वो लगाया गया संस्था दिलवा कर दी। हाँ, शादी वगैरह करा दी, 31 मार्च ने 11 लड़कियों कराई है, 100-150 लड़कियों शादी करवा चुकी है ऐसे ही सामूहिक विवाह। आपकी माता जी पे लगाया जा रहा है,
मेरी माता जी कोई डायरेक्टर, मेरी माता एडवाइजर के तौर पे है। अच्छा, हाँ जी। डायरेक्टर नहीं है? नहीं, डायरेक्टर नहीं है जी। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर एक तो सुनील है जी, बारी से, एक कविता है जो पाजू से है, और एक वीरेंद्र जी हैं जो बुढ़ा खेड़ा से हैं। ये तीनों इसके हैं, ये डायरेक्टर हैं। सुनील है जी पाजू से, बारी से, बारी बिगाना। हाँ जी, एडवाइजर मतलब एक कर्मचारी के तौर पर काम कर रही थी। सर ये तीनों डायरेक्टर हैं इसके अंदर, देख लो। अच्छा, क्या नाम ले रहा है? लेकिन ये फ्रॉड का मामला क्या? ये महिलाएं पहले भी आई थी सोशल मीडिया पर, 25 करोड़ रुपया एक मैंने वीडियो में देखा है कि फ्रॉड है। इतना करोड़ रुपया का फ्रॉड है आपकी ये आई थी जी? ये बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। हम जो है दरख्वास्त कराए, मैंने अप्लीकेशन भी DSP साहब के पास भी दी है, SHO साहब के पास में अप्लीकेशन दे दी जो मैं ला रही थी। इन्हें उसकी जांच होनी चाहिए, जांच में पता लगा कौन सही है कौन गलत। वैसे आरोप तो कोई भी लगा देगा जी। अच्छा, और काम का भी बात होता है, काम देख रहे हैं। काम का इसमें काम का इसमें जी फार्म भरवा कर दे, 1100 रुपया में काम दिया कर दे, संस्था दिया कर दी। जैसे किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बता रहा माल हम पैक करवा के दे देंगे। जैसे मेरे पास कोई कंपनी है, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ, काम दिया, हाँ, वो काम आप जो महिला से आपने वादा कर रखा है वो काम दे दिया करते। वो संस्था वो काम दिया कर दी, बहुत जगह गया भी काम और बहुत रह भी रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मतलब वो काम के कितने पैसे उनकी मिले कर दी? वो उनकी तनख्वाह दी कितनी का रखी? 2500 रुपये। जैसे महीने में जैसे 20 का ग्रुप हो गया, उन्हें 10-10, 15-15 दिन का उसमें काम दिया करते, 2500-3000 रुपये ऐसी कुछ तनख्वाह दी वो उन्हें मिला कर दी, जिसने जिस जिसका पास काम गया और उन्हें कराया है। हाँ जी, लेकिन जो महिलाएं में आग लग रही है वो तो कुछ और आरोप भी लगावे हैं, काम तनु का मर्द दे को नहीं तो। मैं अपना उसी बोतों के पास जा रहा और बोतों का रह भी रहा, जिसका रह रहा है उनके संस्था धीरे धीरे समान पैसे वापिस करने लग रही है। अच्छा, उनके कुछ के जा भी ले कुछ के रह भी रहे हैं, मतलब जिनका काम नहीं मिले हैं। हाँ, जिसका पास काम, हाँ, जिसके पास काम नहीं गया उनके 1100-1100 रुपये वापिस करने लग रही है। हाल फिलहाल संस्था काम कर रही है? हाँ, इसका ऑडिट चल रहा है जी। ऑडिट चल, हाँ, ऑडिट चल रहा है। हाँ, काम कर रही है जी, बंद नहीं हुई? नहीं, बंद नहीं हो रही जी। नाम इसके इसके खिलाफ FIR नहीं, कंप्लेंट दे रखी है, दे जो लेडीज आ रही है उन्हें दे रखी कंप्लेंट। अच्छा अच्छा, मेरी मम्मी के नाम पे और संस्था के नाम पे। तो आपकी सुमित्रा देवी जी को सामने क्यों नहीं आ रही है? वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल में जी, कमांड हॉस्पिटल में उनका मेडिकल हमारे पास, वो आपको दिखा देंगे। उनका ऑपरेशन है जी कल का। काम तो इसमें मतलब वो जो महिलाएं आरोप लगा रही वो भी कर रही? हाँ, वो भी कराया कर दी जी। सुमित्रा जी को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? मेरी मम्मी इसमें पहले जुड़ गई थी, ऐसे जैसे बात हुई वह हम नवी काम करना है, अच्छा काम है, वो ऐसे जुड़ते जुड़ते साथ में उसने जोड़ दिया, आगे अलग उन्हें भी जोड़ रखी हैं, ऐसे जुड़ रही जो महिला इधर नरवाना की ब्रांच है, जो नरवाना ऑफिस खोला संस्था ने वो इधर से जुड़ी हुई थी जी महिला। तो ये जो मनमुटाव चल रहा है, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कब कब शुरू करें जी? ये जी हमारे साथ तो कई महीने से हो रहा, लेकिन ये सोमवार को आई थी, पहले सोमवार को आई अप्लीकेशन दे गई DSP साहब के पास में, सद सिटी थाना में गई थी, और इन्हें जब FIR ही दे दी, अप्लीकेशन दे दी, तो इधर आने का तो कोई मतलब ही नहीं ना, प्रशासन जांच करे ये गलत कौन है सही कौन है। अच्छा, महिला कई महिलाएं तो नुए को है कि मेरे पास भी फोन आया था, तो ये तो सुमित्रा जी ये तो खुद कह कर दी कि मैं डायरेक्टर हूं। नहीं जी, कोई डायरेक्टर नहीं है जी, वो तो एक इधर ब्रांच के जो बना रखा था आपने संभाल नहीं जी, इधर की जैसे कर्मचारी के तौर भी थी इधर के आप संभालो, अलग अलग ऑफिस खोल दिए थे, उनका मैनेजर भी उनका बैठता इधर, जो कैशियर का काम करता था वो कंप्यूटर ऑपरेटर भी संस्था ने लगा रखे थे जी। वो ये पीली टी शर्ट वाला जो लड़का बोल रहे थे ये भी इधर संस्था में काम करता था, कंप्यूटर ऑपरेटर खुद बोल रहे थे, अलग अलग थे। ये जो ब्लेम लगा जा रहा है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जो ये ब्लेम लगा रहे हैं तो कोई सबूत तो प्रूफ तो दो हमें, ये 25 करोड़ का करोड़ों का ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे, जो कोई तो प्रूफ होगा, कोई चेक हो कहीं पर, साइन हो, लिखित हो, जो ये कार्ड है कॉपी है इसके ऊपर कहीं सुमित्रा हो, जो भी जिस एडवाइजर ने ये कॉपी बनाई है यहाँ पर उसी का नाम चढ़ेगा, यहाँ सुमित्रा क्यों नहीं है? ये एडवाइजर का नाम अगर है। सुमित्रा फ्रॉड है, अगर सुमित्रा उनके साथ फ्रॉड कर रही है तो फिर एडवाइजरों के नाम क्यों है यहाँ पर? जैसे ये, मेरी मम्मी एडवाइजर मीनाक्षी है जी, ये एडवाइजर है, ये इसने कॉपी बना रखी है। ये कहाँ से है ये बता जी, एड्रेस होगा जी इसमें, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, अगर वो तो मतलब बनानी हो कॉपी कहीं भी बनाए इसका पूरा इंडिया में, ऑल इंडिया। एडवाइजर अलग अलग है जी जो काम करते, जैसे सुमित्रा जी कॉपी बना के लेके आऊंगी तो सुमित्रा जी के नाम पे ही कॉपी बनेगी,
सुमित्रा जी ने इतना मतलब 1100 की कॉपी बनवाई, एडवाइजर है वो, तो यहाँ पर एडवाइजर कोड और एडवाइजर नेम यहाँ सुमित्रा ही चलेगा, जो बनाएगा उसी का नाम चढ़ रहा है इस पर। मीनाक्षी के पास क्यों नहीं गए, सुमित्रा के पीछे क्यों लगे हुए, क्यों नहीं चल मेरा जो सुमित्रा जी, इसको ही बार बार कह रहे हैं इन्होंने ही फ्रॉड किया है। पता नहीं जी मैम, तो क्या था लग रहे हैं क्या था नहीं लग रही, कोई प्रूफ तो आए बताऊंगा जी क्यों लग रहे हैं पीछे। आपने अपनी माता से बात करी इस मुद्दे पे कि क्या चल रहा है? कि मम्मी ने भी इंटरव्यू इधर थी जी, पर कल मेरी मम्मी इधर थी, वो एनजीओ न्यूज वाला आया है, उनके साथ बात भी हुई है, कल थी, कल शाम को गई मेरी मम्मी जी। क्या कहा आपकी माता? वही हुई थी बात, वीडियो आई भाई मेरा कोई इश्यू, मैं भी एक एडवाइजर के तौर पे काम कर रही हूँ, कोई डायरेक्टर नहीं हूँ मैं, जो भी सुविधा ऊपर से मिल रही है, अभी ऊपर से आनी बंद हो रही है, जब भी जो भी सुविधा आई लोगों को मिल भी रही है। अच्छा एक आरोप और लग रहा है कि संस्था ने कुछ कुछ भी नहीं कराया, उसका आपके पास प्रूफ है, मतलब कुछ शादी का या फिर सामान, सर शादी का सामान ऑनलाइन प्रदर्शन करने को कुछ संस्था ने दिया? मेरी बात सुनो सर, ये इधर है जी देखो, आप 31 मार्च को शादी करी थी जी जाट धर्मशाला में, 11 लड़कियों की, ये उनके सामान की लिस्ट है जी, अलग अलग सभी की, सामान एक जैसा है लेकिन ये अलग अलग है जी, जिस जिस गाँव की थी सब। संस्था ने दिया? हाँ ये संस्था ने सामान दिया जी, उनसे डोनेशन करवाया है, बाकी ये अपने खुद के उससे लगाया है, डोनेशन भी करवाया उनसे। अच्छा और कुछ काम करा है या संस्था? और तो जी यही जी, जो किन्ना दान देती है, जैसे किसी को साइकिल की जरूरत है, किसी को मतलब बच्चों की फीस देने में असमर्थ है, ऐसी कई प्रकार की सुविधा है जी। लोगों की घूम घूम के वो थे, ये वो महिला वो एडवाइजर है, एडवाइजर है, कॉपी धारक नहीं है, कॉपी धारक नहीं है। अगर ये कॉपी धारक है एडवाइजर नहीं है, ये बोल रहे की हमारा अगला फ्रॉड होया और होया है, तो अपना फेसबुक आईडी, हमारे पास फोन भी करते है, मैं नहीं आया, मैं नहीं आया, मेरे को बुला रहे थे, ऐसे कर रहे थे, ग्रुप में मैसेज करते है, ये क्या कुछ कहा है? यही कहो जी, हमारी तरफ तो भी सफाई दे हुए हैं, बट ठीक है, मैं तारा साथ था, पूरा भी साथ में इधर भी आ जाए। अच्छा यही महिला गलत तो नुका था फोन पे आया, हां हां जी हां, और फिर उरा का प्रदर्शन भी ये इनका, तो मतलब इसमें सर 15 से 16 तो हैं जो मतलब पहले भी आई थी, 15-16 जने ही हैं जो पहले आई थी, और ये बाद में इनको झूठ बोलकर बुलाती है, चलो नरवाना सुनील सर आए हैं मीटिंग है, चलो नरवाना ये है ये है, और यहां आकर इनका वो बनाती है। अच्छा जो आपके जो इसके डायरेक्टर फाउंडर हैं, हाँ उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर, उनकी नज़र में तो आ रहे होंगे इस टाइम यू आ रहा है, उनकी नज़र में वो तो यही कहो जो समाधान होगा, टाइम लगा धीरे धीरे सबका होगा, क्योंकि जी पता कि सरकार का बजट डाउन जा हुआ है, अरे उसका छाछा भी नहीं तनखा नहीं आंधी कर्मचारी आएंगे, तो अभी संस्था बजट डाउन चल रहा है जी, बस धीरे धीरे समाधान होगा सबका होगा। अच्छा को लोन लाने वाली बात आपने बताई थी, बहुत से हैं जी संस्था ने लोन भी दिया, संस्था के प्रदर्शन कर रहे थे लोन की सुविधा भी देती है संस्था जी, अभी बंद कर दी, किस्त नहीं भरी, लोग लोन ले लेंगे, किस्त नहीं भरी, वो महिला है, हम ना फ्रॉड कर रहे हैं, कह रहे हैं खुद फ्रॉड कर रहे हैं, मैं खुद डिफॉल्टर हो गया, और किस्त नहीं भर दे दो, बैंक डिफॉल्टर बोलता उनको, आप तो ये जो जांच होगी उसमें पूरा साथ दोगे? पूरा साथ देवांगे, जहाँ तक हमारी जांच रूप पड़ेगी हम साथ में खड़े हैं जी, प्रशासन का पूरा सहयोग कराएंगे जी, जो हमारी तरफ से जो मांगेंगे हम देवांगे, जहाँ बुलाएंगे उधर जाएंगे। अच्छा देखो हमारा चैनल तो इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सुबह जो प्रदर्शन था उसमें एक व्यक्ति था जो पीडीसी शर्ट पहन रहे थे, वो आपकी जुबानी यह बात भी बोल रहे थे कि हम मैं साथ में था 1.5 लाख रुपए बांटे, 1.5 लाख रुपए को जिक्र आया था, और फिर वो मतलब उन महिलाओं के पक्ष में भी कुछ बातें बोल रहे थे सर, पता नहीं दुनिया, मैंने सर 1.5 लाख किस चीज़ में, जो एक मिनट सर, जो मैंने आपको यही बात बोली है, यहाँ भी आते हैं फिर बाद में हमारे पास भी आते हैं सर, इनका पता ही नहीं है कहाँ है ये, उनके साथ और कुछ है, ये महिलाएं पर्सनली फोन पर बात हुई आपकी, के चाव है सबका समाधान होगा, यही बात इनको बोली थी जी, हमारा पीछे लगा दे 4-5 महीने से हमारा जुलूस काटना ऐसे ही लग रही है, अभी गली मारने लगी, पहले दो दो चार चार करके क्या कर दी, ये भी इकट्ठी हो गई।